फिल्म का नाम है रक्तधार और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये फिल्म का क्लाइमेक्स है. बड़ा मज़ा आ रहा है कि 1980 का क्लाइमेक्स जो होता था हम लोग करते थे और वैसा ही कुछ फील आ रहा है. लेकिन जितनी भी सलमान खान साहब की फिल्में देखते हैं उनका भी क्लाइमेक्स कुछ ऐसे ही होता है जैसा हमारा है. तो ये एक बहुत बढ़िया मोमेंट है पिक्चर में और पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है. बाकी हमारे मुकेश जी हैं बताएंगे. सर ये काफ़ी समय हो गया इस फिल्म को. सर फिल्मों अच्छी फिल्म जो बनती है उसको टाइम लगता है. बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं और क्योंकि ये न्यू कमर की है, हीरो नया है, हीरोइन नहीं है, प्रोड्यूसर नए हैं और फिल्म बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और ये बड़ी फिल्म बनाना चाह रहे थे तो बड़ी फिल्म बनाने के लिए फाइनेंसेस बहुत बड़े चाहिए थे. लकली उनको अच्छे फाइनेंसेस मिल गए, पैसा काफ़ी खर्चा किया और ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ मेरे हिसाब से, 2 साल हुए. वक्त तो लगता ही है. हिम्मत है डायरेक्टर की, हिम्मत है प्रोड्यूसर की कि एक नई स्टार कास्ट के साथ इन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई. शक्ति जी आपके किरदार की बात करें, तो कुछ उभरा उभरा सा नजर आ रहा है, किस प्रकार का किरदार है? हाँ ये ना आदमी है ना औरत है, ये बीच का है. बट एक बड़ी अच्छी, अभी आप लोग बोलेंगे आपको इस स्टेज ऑफ योर करियर, इस स्टेज ऑफ योर करियर ऐसा किरदार करने का, ऐसा रिस्क लेने की क्या जरूरत है. मेरा एक पॉइंट है जो मैं बहुत क्लियरली मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ कि जनता को ये शायद नॉलेज नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा, 7 करोड़ से ज़्यादा किलर है और इनकी पर्सनल लाइफ कितनी मुसीबतों से गुजरती है, इनको क्या क्या दुख सहने पड़ते हैं, इनके जन्म से लेके इनके जनाजे तक किसी को मालूम नहीं कि जब किलर मरता है तो उसको जलाते हैं, दफनाते हैं या समुंदर में फेंकते हैं. किसी को ये मालूम नहीं जब किलर जन्म लेता है, चाहे करोड़पति घर में लेता है चाहे गरीब घर में लेता है, तो दूसरे किलरों को कैसे पता चलता है कि इस परिवार में किलर पैदा हुआ है. और जहाँ किलर पैदा होता है दूसरे जो किलर होते हैं उसको उस परिवार से उठा के ले जाते हैं और अपने समाज में अपनी दुनिया में लेके चले जाते हैं. तो ये जो किलर इस फिल्म के अंदर है ये बहुत बड़ा सबक सिखाता है जनता को, सरकार को और पूरे मुल्क को कि क्या किलरों को जीने का हक नहीं, क्या किलरों जितने किलर हैं इनको सरकारी नौकरी मिलने का हक नहीं, क्या जो किलर है क्या ये रास्ते में खड़े होकर भीख ही मांगेंगे, क्यों नहीं इनको जंग में सिपाही की वर्दी में भेजा जाए फ्रंट में. इनके अंदर एक मामूली इंसान से ज़्यादा ताकत होती है. तो ये जो किलर है एक सड़क पे भीख मांगने वाला किलर है और कैसे एक नेता की नज़र इस पे पड़ती है कि इसको मैं यूज़ करके जितने किलर हैं उनकी वोटों की वजह से और उनके प्रभाव की वजह से मैं इलेक्शन जीतूंगा. लेकिन ये किलर उसी मंत्री से सब कुछ सीखता है और एंड में अपनी मेहनत से, किलरों की मेहनत से, समाज के प्यार से एक चीफ मिनिस्टर बनता है. एक किलर कभी चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में नहीं बना है. इस फिल्म में हम दिखाएंगे कि एक किलर हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर बनता है. शक्ति जी आपसे जानना चाहेंगे किन्नरों का आखिर में अंत क्या होता है? आज पूरा सस्पेंस बना हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में. सर देखिए जब तक मैं 100% मेरी खोज जो है वो 90% है. जब तक मैं 100% श्योर नहीं होऊंगा मैं टेलीविजन के सामने कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलूंगा. आज आपका एक एक शब्द कैमरे के सामने गलत, आपका कोई स्टेटमेंट आ जाए आपको मुसीबत में ला के रख सकता है. इसका जवाब मैं पूरा और 100% रिसर्च करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा. मुकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किरदार होगा आपका? ये मेरा किरदार जो है हीरो मेरा बेटा होता है. मेरा किरदार है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी बुरे काम किए जो उस वक्त मुझे लगा कि ठीक हो रहे हैं, फिर किस तरह उस तरह के एक आदमी अपने आप को ठीक करना चाहता है अपने बेटे की वजह से, क्योंकि बेटा उन कामों को बिल्कुल अप्रूव नहीं करता, उनको बिल्कुल गलत मानता है. किस तरह प्यार में उनके प्यार में आके एक फादर को अपने वो रुख सारे चेंज करने पड़ते हैं जो उसकी नज़र में ख़राब हैं, जो इवेंचुअली बुरा काम बुरा ही होता है हम सब जानते हैं. तो मेरा इस तरह फादर और एक सन का रिलेशनशिप है जो इस तरह चलता है जिसमें काफ़ी नाराज़गियाँ भी आती हैं,
बट एवेंचुअली बच्चों की बात सुननी पड़ती है जो अच्छी होती है, तो इस तरह का मेरा किरदार है। लेकिन इसमें सारी फिल्म का जो बुके बना है वो बहुत कमाल है, जिसमें जैसे शक्ति जी ने जो करेक्टर बताया बहुत ही चैलेंजिंग, और आप देख भी सकते हैं गेटअप से कितने बिल्कुल लग रहे हैं कि उसी तरह का एक करेक्टर इनका आप देखेंगे पिक्चर में। इसी तरह शहबाज भी हैं हमारे साथ में, तो बुके जो है हमने नए लड़कों के साथ में हम लोग मिल के एक कहानी बनाने की कोशिश की। अजीत वर्मा जिसकी एक आध फिल्म पहले आई है, उसने बहुत मेहनत की है, हर तरह से सबको इकट्ठा करना आसान काम नहीं था, उसने काफ़ी कोशिश की है। फिर दो यंग प्रोड्यूसर हैं हमारे, धनंजय पटेल हैं और राजन गुप्ता हैं, ये दोनों यंग लोग हैं। कल अलग करके फिल्म बनाना, क्योंकि कॉर्पोरेट फिल्में बनती हैं, बहुत सारा फाइनेंस चाहिए होता है, बड़ी फिल्में चाहिए होती हैं, उसके बीच में से हट के करेक्टर आर्टिस्टों को लेके एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करना, तो मैं तो समझूंगा कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसी फिल्म हम बनाएं। तो उस सब चीज़ों को मिला के हमारी कोशिश यही थी कि उनका साथ दिया जाए और इस फिल्म को कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी। पर फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जब नए लोग मैदान में उतरते हैं प्रॉब्लम आती है, बट खुशी है हमें इस बात की कि आज हम क्लाइमेक्स कर रहे हैं, एक दो रोज का और क्लाइमेक्स बचा है, फिल्म ओवर हो जाएगी, बहुत जल्दी लोगों को देखने के लिए। मुकेश जी, आज बाबा का जन्मदिन है संजय दत्त, बड़े मुसीबतों से आज वापस खुशियां उनके घर में आई, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत मुबारक पूरे परिवार को, उनके पूरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनको चाहने वाले बहुत से लोग हैं। मैं सुबह अपने रेडियो में सुन रहा था कि उनकी दी हुई रेसिपी किसी होटल में वो आज पूरा दिन उसको बेचेगा संजय के नाम से, तो उन्होंने ही दी थी उसको रेसिपी वो, तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई आपको, आपकी फिल्में जल्दी से जल्दी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं कि आप फिल्में करेंगे तो हमें भी काम करने का मौका मिलेगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बर्थडे पर। शक्ति जी, आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, मैं सुबह सुबह उठ के संजय को मैंने मैसेज किया, संजू को, उसको जन्मदिन की मुबारकबाद दी, और आज खुशी का उसके लिए इतना खुश है वो कि आज बच्चों के साथ काफ़ी ज़माने के बाद अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा संजू बा